ये अभेद प्रोडक्शंस का मेडन वेंचर है, हिंदी फिल्म है। फिल्म का नाम है माहिरू। माहिरू का मतलब होता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, समबडी यू लव द मोस्ट। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट है। जैसे कि इसका जो टैगलाइन है वो ये है कि लव कैन हील एंड लव कैन किल। मतलब कि लव आपको प्यार ज़िंदगी में उभार भी सकता है और प्यार आपको ज़िंदगी में मार भी सकता है। और क्यों आपको प्यार ज़िंदगी में सब कुछ दे सकता है और क्यों मार सकता है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। आमतौर पे आजकल जो भी फिल्म आ रही है उसमें पुराने गाने यूज़ हो रहे हैं और पुराने गानों के रीमिक्स पे सब कुछ चल रहा है, बट इसमें बहुत ओरिजिनल म्यूज़िक है, बहुत अच्छी तरह गाने शूट हुए हैं। एंड विठल वेतुरकर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये फिल्म लिखी भी है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज करके शूट की है। एंड ओवरऑल एक टोटल पैकेज है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ थ्रिल एलिमेंट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेंचुअलिटी, इट हैज़ अ लव मेकिंग सॉन्ग, इट हैज़ अ सॉन्ग विच इज़ शॉट ऑन द लोकेल्स ऑफ राजस्थान। तो ओवरऑल एक छोटे बजट की फिल्म के लिए फिल्म का ग्रैंडियर बहुत बड़ा है। इसके विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे साथ इसमें पेयर की गई हैं दिशा मोरे। प्रिंट शूट्स में बहुत बड़ा नाम है एंड समहाउ ये जो रोल है इसमें डायना का, उसके लिए दिशा परफेक्ट फिट होती हैं। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी और दिशा की केमिस्ट्री ओवरऑल एक देखने वाली चीज़ होगी। एंड आई एम अ कैसेनोवा इन द फिल्म हु इज़ अराउंड गर्ल्स एंड इज़ ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यूजेस गर्ल्स फॉर वॉट एवर रीजन्स। And how such a person who has no heart towards love falls in love with a girl when Drisha, जो डायना का किरदार कर रही हैं, वो उसके लाइफ में आती है। So it's about the whole zone of कैसे एक ऐसा लड़का जो प्यार में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता और लड़कियों पे स्पेशली बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उनका सिर्फ इस्तेमाल करता है, जब वो किसी के प्यार में पड़ जाता है तो क्या होता है, कैसे होता है, दैट्स द फिल्म अबाउट। और बताइए शूटिंग के बारे में, बताइए कैसा एक्सपीरियंस है।